आज हम बात करेंगे भगवान शिव के दो अद्भुत और रहस्यमय मंदिर की। वैसे तो पूरे भारत में भगवान शिव के कई ज्योतिर्लिंग व रहस्यमय मंदिर मौजूद हैं। उन्हीं में से एक है महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश। उज्जैन जिसे अवंतिका नगर के नाम से जाना जाता था, वहाँ एक दूषण नाम के राक्षस का कहर था जिसे भगवान ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था। वरदान था अजयता का। उसी वरदान के कारण उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। पूरे नगर पे अपना कहर बरसाने के बाद उसने अवंती नगर के ब्राह्मणों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। इसके बाद दूषण की आज्ञा से चार दैत्यों ने मिलकर अवंती की चारों दिशाओं में हमले शुरू किए। दूषण से मुक्ति पाने के लिए शिव भक्त ब्राह्मणों ने मिलकर तप शुरू किया। शिव भक्तों को तपस्या करते देख दूषण बेहद क्रोधित हुआ और अपने दैत्यों को शिव भक्तों की हत्या करने के आदेश दिए। जैसे ही दैत्यों ने अस्त्र उठाए, शिवलिंग से भगवान से प्रकट हुए और अपने महाकाल रूप में उन्होंने दूषण व उसकी दैत्य सेना को भस्म कर दिया। और भगवान शिव ने अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा तो ब्राह्मणों ने कहा, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वे चाहते हैं कि आप यहीं विराजमान हो जाएं। तो इस प्रकार भगवान शिव ने उनकी इच्छा मान ली और उसी स्थान पे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है। बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों का मुख पूर्व दिशा की ओर है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़े बहुत से रहस्य भी मौजूद है। कहा जाता है महादेव ही उज्जैन के राजा हैं, इसीलिए कोई अन्य राजा महाकालेश्वर मंदिर के निकट भी ठहर नहीं सकता। दूसरा रहस्यमय मंदिर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। यह मंदिर एक ज्योतिर्लिंग है और इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ का शिवलिंग बेहद रोचक और अद्भुत है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे एक छोटी सी कैविटी में स्थित है। मंदिर के गर्भगृह के बीचों बीच एक खोखली जगह है जिसमें तीन छोटे छोटे शिवलिंग मौजूद है और हर शिवलिंग का अलग अलग रूप है जो कि ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। और यही कारण है कि इस मंदिर का नाम त्र्यंबकेश्वर है। त्र्यंबक का अर्थ होता है तीन भगवान। सिर्फ यही नहीं, इस शिवलिंग के कई सारे सिंबोलिज्म भी जुड़े हुए हैं। शिवलिंग की तीन आंखें सूर्य चंद्रमा और अग्नि को सिंबलाइज करती है और इस शिवलिंग की पूजा करने से न केवल भगवान शिव की पूजा बल्कि इस शिवलिंग से त्रिदेव की पूजा हो जाती है। ऐसा माना जाता है जो भी इस मंदिर में दर्शन करने आता है त्रिदेव के आशीर्वाद से संसार के जीवन मरण चक्र से उसको मुक्ति मिल जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है जब गंगा जी यहाँ प्रकट हुई थी तो उनका बहाव इतना तेज था कि कोई भी उनके आसपास टिक नहीं पाता था, इसीलिए उनके बहाव को थोड़ा धीरे करने के लिए नदी के किनारे कुशा नामक एक घास लगाई गई। इसीलिए तब से इस जगह को कुशवृत कुंड के नाम से जाना जाता है जो कि इस मंदिर में दक्षिणी गंगा यानी गोदावरी का प्रतीक है। कहा जाता है इस कुंड में स्नान करने के पश्चात इंसान के सारे दुष्कर्म खत्म हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। मैं आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा जिसमें कि हमने भगवान शिव के दो प्रमुख रहस्यमय मंदिरों के विषय में बात की। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब लाइक व शेयर जरूर करें।